फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव, प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी के मनसे के सरबरा राज ठाकरे ने मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर मुतनाजा बयान दिया। ये तनाजा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुंबई में मनसे के कारकुनान ने बहुत सारी जगहों पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए महाराष्ट्र के हालात खराब करने की कोशिश की, जिसके जिम्न में, जिसकी पादाश में मुंबई पुलिस ने कारकुनान को हिरासत में लेते हुए उन पर जुर्माना आयद किया। वहीं दूसरी जानिब महाविकास अघाड़ी ने राज ठाकरे को निशाना बनाते हुए जबरदस्त जवाब दिया। बात करें मालेगांव की, तो शहर मालेगांव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने भी राज ठाकरे के ताल्लुक से जबरदस्त बयान दिया है। क्या कहा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने, आइए देखते हैं। मस्जिदों से अजान दी जाती है और अजान इसलिए दी जाती है कि मस्जिदों में 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है जमात के साथ। जमात का मतलब यह है कि सब मुसलमान इकट्ठा होते हैं और एक साथ नमाज पढ़ते हैं। अजान इसलिए दी जाती है कि लोगों को पता चले, खबर हो कि अब नमाज का टाइम हो गया है। और अजान मुश्किल से 2-2.5 मिनट तक अजान का वक्त लगता है। अब अगर राज ठाकरे साहब जो है काफ़ी दिनों के बाद आए हैं, गुड़ी पाड़वा के मौके पर उन्होंने अपनी बात रखी है, ऐसे मौके मौके से आ करके वो अपनी बात रखते हैं, बज़ाहिर अब समाज में कहो सियासी तौर पर उनका वो वज़न नहीं रहा, वो पकड़ नहीं रही जो कभी बाला साहब ठाकरे के साथ रहते हुए उनका वज़न था। आज तो ऐसा है कि सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो उनके एक एमएलए हैं हाउस में, बाकी उसके बाद उनका अब कुछ दिखाई देता नहीं है। लेकिन जो बात उन्होंने कही है ये चिंताजनक है, तश्वीश की बात है कि ये टकराव के रास्ते पर लोगों को ले जा रहे हैं। मुझे हैरत है इस बात पर कि 2 मिनट की आवाज़ से उनको उनके आराम में खलल होता है, लेकिन जब शादी के मौके पर घंटों डीजे बजाया जाता है या सियासी लीडरान के आने पर पटाखेबाजी की जाती है और भी मुख्तलिफ मौके पर जीडे वगैरह बजाया जाता है, तो उस मौके पर इनकी तरफ से कोई रद्द अमल कहो, कोई रिएक्शन नहीं आता। रमज़ान का महीना है, आम मुसलमान भी रमज़ान के महीने में रोज़ा रख करके नमाज़ों के लिए एहतमाम करता है। साल भर नमाज ना पढ़ने वाला भी नमाज़ पढ़ता है। ऐसे मौके पर राज ठाकरे साहब का ये बयान, ये बज़ाहिर दो समाज के दरमियान झगड़ा पैदा करने के लिए बयान दिया जाना लगता है। हमारा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लाउड स्पीकर पर जो अजान दी जाए या लाउड स्पीकर पर और कोई प्रोग्राम होता है तो उसकी एक हद मुकर्रर है। उस हद के अंदर अगर आवाज़ होती है तो कानूनन उसे हटाया नहीं जा सकता। इस मामले के अंदर मुसलमानों के जो भी जिम्मेदारान हैं, उलमा और मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारान कानूनी तौर पर इसका जायज़ा लेंगे और जायज़ा लेने के बाद जो कानूनी हमारा हक बनता है, हम अपने हक के साथ कानून के दायरे में रहते हुए अजान देंगे।